हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड फॉर लमसम, यानी कि हम लमसम करना चाहते हैं, पैसा एक साथ लगाना चाहते हैं और कितना लगाएंगे, 1,00,000 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे और 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने से हमारे पास 40,00,000 रुपये की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि ये पैसा 1,00,000 से 40,00,000 रुपये हो पाया, कितने साल में हो पाएगा और कब तक हो जाएगा, ये सारी प्रोसेस बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप में से ज़्यादातर लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं, ज़्यादातर लोग अपने जो दैनिक जीवन होता है उसके अंदर बोलते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। आखिर आपने कभी सोचा है ये ऐसा कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? तो मैं इसका आंसर बताऊंगा कि अमीर अमीर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कुछ हटके, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे हैं उनसे हटके पैसा क्या करता है, लगाता है। और जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि एक आपका होता है नॉर्मल इन्वेस्टर, जैसे कि ज्यादातर आप और हम लोग हैं नॉर्मल इन्वेस्टर है, और दूसरा कौन होता है, एक होता है स्मार्ट इन्वेस्टर। ठीक है जी, तो ये दो कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो अमीर होता है ना, वो आपका एक तरह से स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, यानी कि जो अमीर है वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है और जो गरीब है वो क्या करता है आपका, वो आपका नॉर्मल इन्वेस्टर होता है। यानी कि नॉर्मल इन्वेस्टर क्या, वो इन्वेस्टर ही नहीं होता है, वो बस सेविंग करने वाला होता है। यानी क्या करता है, बस सेविंग, पैसे को सेव करे रखता है। अब पैसा सेव कहाँ कहाँ रखता है, मैं आपको सारी डिटेल में प्रक्रिया बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो गरीब होता है, गरीब इन्वेस्टर या गरीब सेविंग करने वाला जो इंसान होता है, वो क्या करता है, वो बैंक के चक्कर काटता है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, यानी कि आप खुद सोचिए कि आप में से कितने लोगों ने क्या होगा, बैंक के चक्कर लगाए होंगे, पहले फॉर्म लेने गए होंगे, फिर वहाँ पे कस्टमर वो अधिकारी नहीं होगा कि नहीं वो वाले सर आए नहीं है अकाउंट खोलने वाले, ठीक है ना। अकाउंट खुल जाता है उसके बाद में, मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट खुल भी गया, तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है, आपको पासबुक लेने के लिए जाना पड़ता है अगले दिन, ठीक है ना। और पहले एक बहुत बड़ा ड्रामा चलता था कि आप जब अकाउंट ओपन करवाते थे तो कोई गारंटर लेके आओ, उसी बैंक का कोई गारंटर होना चाहिए, यानी कि उसी बैंक के अंदर किसी और का अकाउंट होना चाहिए तो उसकी गारंटी लगती थी। यानी इतने सारे ड्रामे होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हीं चीज़ों के, पोस्ट ऑफिस के और बैंक के चक्कर लगा लगा करके अपना सोचते हैं कि यहाँ पे पैसा हम लगाएंगे, एफडी कर देंगे, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा लगा रहेगा तो हम इससे पैसे वाले हो जाएंगे। तो भैया यही आपका रीजन है कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है। आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि हमें चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आपके सारे काम डिजिटल तरीके से हो जाएंगे। यानी कि आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे तो आपको घर बैठे सारे काम होंगे, कोई चक्कर नहीं लगाना है और आपको प्रॉफिट भी तगड़ा वाला मिलेगा, जिसके अंदर आप 1,00,000 रुपये से 40,00,000 रुपये आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कुछ पोस्ट ऑफिस की कुछ उसकी बात कर लेते हैं कि हमें कितना पैसा मिलता है। अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सेविंग अकाउंट पे हमें एनुअली कितना मिलता है, पड़ा है 4% का रिटर्न मिलता है। हालांकि एग्जैक्ट रेट क्या है, 4.241, थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे, आप किसी ब्राउजर पर जाकर के पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट सर्च कर लीजिएगा। मैं आपको लमसम बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आपकी आँख खुल जाए, आपकी आँख दिमाग खुल जाए कि भैया हम कहाँ झोल में पड़े हुए हैं, हम किस झोल के अंदर पड़े हुए हैं जिससे कि हमारा पैसा ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो पोस्ट ऑफिस जो सेविंग स्कीम होती है उसके अंदर हमें 4% का एनुअली, यानी कि 4% हमें सालाना का ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब पोस्ट ऑफिस अंदर एफडी करते हैं तो वहां कितना मिलता है हमें, 6.9 के समथिंग मिलता है। अगर एक साल की एफडी करते हैं तो 6.9% के अराउंड मिलता है, अगर 3 साल की एफडी करते हैं तो हमें 7.1 समथिंग के मिलता है, 7.1% के समथिंग मिलता है या 7.3 मिलता है समथिंग। पीपीएफ अकाउंट का बहुत बड़ा नाम होता है कि पीपीएफ करना चाहिए, हालांकि पीपीएफ भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वहाँ टैक्स फ्री इनकम होती है, तो पीपीएफ के अंदर हमें 7.1% की एनुअल इंटरेस्ट मिलती है हमें इसकी। किसान विकास पत्र के अंदर हमें कितना मिलता है, 8.2 समथिंग हमें इंटरेस्ट मिलती है, और हमें जो सुकन्या समृद्धि योजना होती है, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर मिलती है, किसान विकास पत्र जो होते हैं ना उसके अंदर हमें 7.2 समथिंग मिलती है, ठीक है, जो कि आपकी सालाना होती है। अब इसी प्रकार से हम बैंक की बात कर लेते हैं, तो बैंक आप कोई भी बैंक उठा लीजिए, HDFC बैंक उठा लीजिए, एक्सिस बैंक उठा लीजिए, ICICI बैंक उठा लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठा लीजिए आप, ठीक है ना। इन सारी बैंक का आप देखेंगे तो जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो हमें मिलता है, जो सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट मिलती है, वो हमें 3% से लेकर के 4.5% के बीच में मिलती है, और जो FD करते हैं हम
वो हमें 6 से 6.5% के बीच में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर एफडी की बात कर रहे थे तो 6 से लेकर 6.5% के बीच में हमें इंटरेस्ट मिलता है एफडी के अंदर। तो आप खुद सोचिए कि जो महंगाई दर होती है, महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट होती है, वो हमें कितनी चलती है, लगभग 5% से लेकर के यानी कि करीब 4% से लेकर के करीब 6% के बीच में चलती है, जो कि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 5.1 के करीब चल रही है, 5.1% के हिसाब से चल रही है। यानी कि आपका पैसा बढ़ रहा है किस हिसाब से, 6.5% मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी के अंदर 6.5% का, लेकिन पैसा घट किस हिसाब से रहा है, 5.1% का। अब आप खुद घटा के देख लीजिए कितने परसेंट हिसाब से आपका पैसा ग्रो हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हमें एफडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट करना है। हमें कुछ अपना इमरजेंसी फंड हम एफडी के अंदर या फिर हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भी हम ऑनलाइन तरीके से डाल सकते हैं। मान लीजिए फिजिकली जाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वहां पे क्या रहेगा, इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि पैसा तुरंत हमारे हाथ में होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड आपको एफडी के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन एफडी ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन एफडी ओपन कर सकते हैं। कैसे, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लीजिए और मोबाइल के अंदर ऐप डल जाएगी और वहां से आप ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट करके अपनी एफडी ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको जैसे ही इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है आप तुरंत पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत जितनी भी पड़ रही है, मान लीजिए आपका इमरजेंसी फंड 5 महीने 6 महीने 1 साल का रखना है, जितना भी रखना है आप उतना पैसा एफडी के अंदर रख दीजिए और उसको जब भी जरूरत पड़ती है आप उसको तोड़ सकते हो, पैसा आपके अकाउंट में अंदर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो इनका हमें यूज करना है। अब बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की। तो स्मार्ट इन्वेस्टर अगर हमें बनना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आपको एक ऐसा SBI का म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जिसके जरिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना, आपको इसको स्टॉक मार्केट की थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप रियल इस्टेट के अंदर पैसा लगा सकते हैं जहाँ पे क्या होगा, पैसा काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाए, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर हमें पैसा लगाना पड़ेगा जिसके अंदर पैसा हमारा जल्दी ग्रो हो जाए। हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा फोकस है इसी वीडियो के अंदर कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके कैसे पैसा बना सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके होते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, आप उसके अंदर SIP कर सकते हैं, आप उसके अंदर लमसम कर सकते हैं, ठीक है जी। SIP क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमेटिक तरीके से उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने आप 5,000 रुपये, ठीक है, हर महीने 5,000 रुपये, 10,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है। आप इवन 500 रुपये हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी सैलरी होती है उसके हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट होगा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर और उससे आपकी वेल्थ बन जाएगी। कितनी वेल्थ बनेगी ये भी मैं आपको कैलकुलेशन करके अभी दिखाऊंगा आपको लाइव, ठीक है। लमसम का मतलब क्या होता है, जिसको हम बैंक के अंदर FD कहते हैं ना, FD, उसको हम लमसम कहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। यानी कि इसके अंदर आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, 2,00,000 रुपये करना है, या इवन 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करने हैं एक साथ, तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, या आपको अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान करना है। आपका खुद का भी सपना है कि मुझे एक 10 साल 15 साल 20 साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है, घर बनवाना नया, या मुझे घूमने के लिए वर्ल्ड टूर पर जाना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं और प्लान करने के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करके या फिर SIP इन्वेस्टमेंट करके। तो जैसा कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर बताया आपको कि हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं या फिर लमसम कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या फंडा रहता है, इसके अंदर कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले फंड की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, यानी कि हम शेयर मार्केट की बात करते हैं या फिर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के अंदर डिपेंड क्या करता है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं आप उतना ही बड़ा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्या रहता है, लार्ज कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ठीक है, ये इक्विटी के कुछ टाइप हैं जो कि मैंने आपको नॉर्मली बता दिए हैं। हालांकि इसके अलावा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, लार्ज कैप में आपका रिस्क कम होता है लेकिन मार्जिन यानी जो प्रॉफिट होता है, रिटर्न होता है, वो भी कम होता है। यानी कि आप इसके अंदर रिस्क कम ले रहे हैं तो रिटर्न भी कम है, इसके अंदर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, इसके अंदर रिस्क आपका
और ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको और ज्यादा रिटर्न मिलता है। यानी कि जो ये वाली लाइन है ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली, वो लाइन आपकी स्मॉल कैप के लिए है। यानी कि आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो स्मॉल कैप के अंदर हम बात कर लेते हैं तो 26% से लेकर के 28% तक के आपको एनुअल रिटर्न मिले हैं पिछले 10 साल के अंदर। ये हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बोल रहा हूं मैं, हिस्टोरिकल डेटा को अपने आप से बना करके नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसके अंदर इतने रिटर्न मिले हैं। मिड कैप की बात कर लेते हैं तो 17% से लेकर के 22% तक के रिटर्न मिले हैं पिछले 10 साल के अंदर। और लार्ज कैप की बात कर लेंगे तो 14% से लेकर के करीब 16% तक के रिटर्न मिले हैं लार्ज कैप के अंदर। तो इस प्रकार से आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों होते हैं। अब स्मॉल कैप क्या होता है पता है ना आपको, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है, वो कंपनियां जो होती हैं 5,000 करोड़ से छोटी कंपनियां होती हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है तो उनको बोलते हैं हम स्मॉल कैप। जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होता है जिन कंपनी का, उनका पैसा मिड कैप में पैसा लगता है, उनको मिड कैप कहते हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आ गया। लार्ज कैप यानी कि जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनियां 20,000 करोड़ के बड़ी होती हैं मार्केट कैप, उनको लार्ज कैप बोलते हैं। यानी कि उनको लार्ज कैप बोलते हैं तो उनका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट उसके अंदर मिल जाता है। अब इसके अंदर रिस्क के हिसाब से आप पैसा लगाते हैं, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो के अंदर। तो 1,00,000 रुपये में लगाना है तो 1,00,000 रुपये लगा कर हम कितना पैसा बना सकते हैं और कैसे बना, जरा मैं एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोबाइल पर क्या कर लेता हूँ, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पर लगा देता हूँ, जिससे कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ कि पैसा आखिर बनता कैसे है मार्केट में। देखिए मैं म्यूचुअल फंड सेक्शन पे आ चुका हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया, आप साइड में देखेंगे यहाँ पे देखिए SIP कैलकुलेटर और लमसम आ रहा है, तो मैं लमसम पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात बताने वाला हूँ उसने 18% का रिटर्न दिया है, लेकिन मैं 16% लेके चलता हूँ कि भाई 16% मिल जाए देन दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है, वो भी इनफ है। तो अब देखेंगे 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया 16% की कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में, 10 साल के बाद जो पैसा कितना हो जाएगा, यानी कि 1,00,000 रुपये आपने जो डाला था उसके 4,41,000 रुपये हो जाएंगे। और यही आपने क्या कर दिया, 20 साल तक पैसा पड़ा रहा, यानी कि 1,00,000 रुपये आपका पड़ा रहा 20 साल तक, तो आपके 1,00,019,00 हो जाएंगे। ठीक है, यही पैसा आपका अगर 25 साल तक पड़ा रहा तो आप देखेंगे 1,40,000 हो जाएंगे। यानी कि 25 साल के अंदर, यानी कि आप जितना देखो जितना पैसा डालोगे उतना गुड़ मीठा होगा, जितना गुड़ डालते हो उतना मीठा होता है आपको ये पता ही है। तो जितना आप पैसा डालेंगे, 1,40,000 हो रहे हैं, 2,00,000 रुपये डाल देंगे तो 25 साल के अंदर 80,00,000 भी हो जाएंगे। ठीक है, अब यही पैसा आपने 40 साल तक कर दिया मान लीजिए इन्वेस्टेड रहा, तो 1,00,000 रुपये के आपके 40 साल के अंदर 3,78,00,000 हो जाएंगे। सोचिए कि आपने अपनी अभी 18 साल की 20 साल की उम्र में अपने 1,00,000 रुपये डाल दिया और वो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर कितने हो जाएंगे, 3,78,00,000 हो जाएंगे। तो आप खुश हो सकते हैं कि 3,78,00,000 हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी अच्छी तरह प्लानिंग करके पैसा बना सकते हैं। और जो लोग SIP करते हैं, मान लीजिए जो लोग 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको 16% की कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रही है, तो आप देख सकते हैं कि मात्र 15 साल के अंदर पैसा कितना हो रहा है, 15-16 साल के अंदर देखेंगे आप पैसा कितना हो रहा है, 18,00,000 रुपये टोटल आपसे इन्वेस्ट हुए हैं आपकी तरफ से, 74,85,000 रुपये आपके टोटल हो गए। और इसी प्रकार से आपने 25 साल तक कर दिया तो 30,00,000 आपसे इन्वेस्ट हो गए 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से और 3,96,00,000 यानी करीब 4,00,00,000 की आपकी वेल्थ बन जाएगी 25 साल के अंदर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अब मैंने बात की थी कि जैसे कि सपोज दैट आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये लमसम करना है, तो पैसा कहां कहां पे डालना है, कितना कितना डालना है, इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आपकी उम्र भी कम है और आपका रिस्क लेने की क्षमता आपकी ज्यादा है कि भैया मुझे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम खेलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल कैप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 30,000 रुपये डाल सकते हैं। ठीक है, 30 इसके अंदर डाल सकते हैं, 30 आप इसके अंदर डाल सकते हैं लार्ज कैप के अंदर, और जो बचे हुए पैसे हैं 40,000 रुपीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड और कर सकते हैं कि 30 के आपने इसमें डाल दिए और आपने 20 के फ्लेक्सी कैप में डाल दिए, 20 के फ्लेक्सी कैप में डाल दिए और बचे हुए कितने, 30, 30, 60, 60, 70, 80 और 20,000 आपने इसके अंदर डाल दिए, यानी कि हो गए ना 1,00,000 रुपये, 30, 30, 60 और 40, ठीक है 1,00,000 रुपये हो गए। तो आप इस तरीके से भी आप पैसे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, आपका हाई रिस्क वाला फंडा है, तो आपने यहाँ पर 40-30 डाले, आप 40 भी डाल सकते हो अगर आपकी एज 25 साल के तक है, 30 साल भी है तब भी कर सकते हो। और आपका लॉन्ग होराइजन है आपका, यानी कम से कम आप 15-20 साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पैसा डाल सकते हैं। लेकिन जिसका रिस्क एपेटाइट कम है, जिनका रिस्क लेने क्षमता कम है, वो क्या कर सकते हैं, 40,000 रुपये यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, ऐसे भी
कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ मोटा मोटा बता दिया। अब लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड कई सारे हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप की बात कर लेते हैं तो पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है जिसके अंदर आप लमसम कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी है उसके अंदर डाल सकते हैं आप। मिड कैप की बात कर लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, HDFC मिड कैप फंड है, इसमें डाल सकते हैं आप। लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो लार्ज कैप में तो आपका, मैं अभी आपको SBI का बताऊंगा कि SBI का कौन सा म्यूचुअल फंड है वो वाला। इसके अलावा देखेंगे आप तो इसके अंदर SBI का ब्लू चिप भी फंड है इसके अंदर, एक उसमें भी डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। आप इसके अंदर लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाल सकते हैं इस प्रकार से। तो जो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप 1,40,000 बना सकते हैं, SBI मतलब विश्वास ट्रस्ट, ठीक है ना। तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर सर्च कर लेता हूँ उसको, फंड को, SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है वो, SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड, इसको सर्च कर लेते हैं तो इसकी बात हम कर लेते हैं। हालांकि कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको जो जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और ये एजुकेशनल वीडियो है। आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। कोई पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। आप देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर हमें कितना रिटर्न मिला है, 25.75% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी चक्रवर्ती ब्याज मिली है। और पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 33.20% का रिटर्न मिला है कंपाउंड, यानी कि लगातार 5 साल से 33% का रिटर्न हमें लगातार मिलता आ रहा है। पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 18.23% का रिटर्न मिला है, यानी कि 18.23% का हमें रिटर्न मिला है लगातार पिछले 10 साल से। अब पिछले 10 साल से हमें इस प्रकार रिटर्न मिला है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगले आने वाले 10 साल के अंदर भी, अगर हमें 10 से 15 साल के अंदर हमें 16% का भी रिटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न मेरी तरफ से माना जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे इसके अंदर कि भैया मिनिमम SIP इसके अंदर 500 रुपये से कर सकते हैं, यानी कि 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट इसके अंदर हम कर सकते हैं। और फंड साइज इसका कितना है, 41,326 करोड़ का, यानी कि आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, तो इतना लोगों ने पैसा इसके फंड के अंदर डाल रखा है और इतना पैसा इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर लगा हुआ है। जो सोचिए कितना बड़ा एक AUM है इसका, AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा टोटल लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कि होल्डिंग कहाँ पर है, यानी कि जब हम इस फंड के अंदर पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा किस किस कंपनी के अंदर जाएगा इन्वेस्ट होने के लिए। तो 110 कंपनियां हैं जिनमें सबसे नंबर वन पे कौन सी है, HDFC बैंक है, जिसके अंदर हमारी 5.28% की होल्डिंग, यानी जितना भी हमारा AUM साइज था, फंड साइज था, उसका 5.28% लगभग उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा HDFC के अंदर, ठीक है। आप इसके अंदर सारी लिस्ट देख सकते हैं, सी ऑल होल्डिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूरी कंपनी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, हमारा पैसा किस किस कंपनी के अंदर कितना कितना परसेंटेज इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम जब नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सपेंस रेशियो मतलब कि भैया हम जब फंड में पैसा लगा रहे हैं तो हमें ये लोग कमा के दे रहे हैं, तो ये इनका फंड मैनेजर होता है, उसकी सैलरी होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिस का किराया होता है, AC, BC, लाइट फाइट सब कुछ है ना, तो उसका एक्सपेंस कितना लेते हैं, 0.58% हर साल लेते हैं ये लोग, जो भी आपका वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल देते हैं तो 1% की पेनल्टी लगेगी, और 1 साल के बाद में पैसा कभी भी निकालेंगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी तो लगती है। टैक्स की बात कर लेते हैं तो 1 साल से पहले पैसा आप निकालते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है उस पर 20% की टैक्स लगती है, और 1 साल के बाद में जब पैसा निकालते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से 1,25,000 की आपकी जो छूट होती है उसको निकाल देते हैं, जो डिस्काउंट होता है एक तरह से मान लीजिए उसको निकाल देते हैं, और बचे हुए प्रॉफिट में आपका 12.5% का टैक्स लगता है, ठीक है। फंड मैनेजमेंट, यानी कि इस फंड को मैनेज करने वाले कौन कौन से फंड मैनेजर हैं, 2 फंड मैनेजर हैं जिनमें पहले हैं दिनेश बालाचंद्रन और दूसरे हैं प्रदीप केसरवन हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्यू डिटेल दे रखी है तो यानी कि आप इन फंड मैनेजर की डिटेल निकाल सकते हैं कि भैया इनको एक्सपीरियंस कितना है, इनकी जानकारी कितनी है, इनकी नॉलेज कौन सी है, कितनी नॉलेज है इनको, और ये कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं SBI के, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बाकी और भी फंड आ रहे हैं इस तरीके से। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपने 2 चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले जो सीखी चाहिए आपने क्या सीखी, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। अमीर अमीर क्यों बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब क्यों बनते जा रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि गरीब बनना है तो आप चक्कर लगाते रहेंगे, और अगर अमीर बनना है आपको तो आपको अपने पैसे पर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप, हम और आप मान लीजिए सभी देख बात कर रहे हैं किसी गरीब को, गरीब क्यों है, क्योंकि उसका वो अकेला काम करने वाला है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो खुद भी काम करता है और अपने पैसे को भी काम पे लगा देता है। अब मान लीजिए मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा जो पैसा होगा वो भी ग्रो करेगा, वो खुद भी काम करेगा, यानी काम करने वाले 2 बंदे हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
प्रॉपर तरीके से खुद भी काम करें, दूसरे को काम पे लगा दें पैसे को भी, तो हम जल्दी अमीर बन सकते हैं, जल्दी पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे पास जब 1 लाख रुपये आएगा तभी इन्वेस्ट करना है। हमारे पास पैसा कितना भी हो हमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, हमें अपनी हैबिट को सुधारना शुरू करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप के लिंक डाल दिए हैं, आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना। आप खुद सोचिए कि आप किसी बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमारा म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए, वो कहते हैं कल आना, उन पर भी इतना टाइम नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको धन ऐप है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, इनके लिंक मिलेंगे, उनमें से किसी भी एक ऐप पर क्लिक कर दीजिए तो आप उससे क्या कर सकते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि क्या बोल रहा था कि हम लोगों को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब 1 लाख का ये वीडियो का एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार मेरे पे जब 1 लाख रुपये होगा ना तभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। नहीं, आपको अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपये हर महीने से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 5000 रुपये हर महीने कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 50000 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लमसम की बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक FD की, तो आपके पास आज 10000 रुपये भी है तो 10000 रुपये लगा दीजिए, अगले महीने आपका 50000 आया तो 50000 लगा दीजिएगा, अगले फिर 3 महीने के बाद आपका 1 लाख आया तो 1 लाख लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपको इन्वेस्ट करना है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें अपने जीवन के अंदर जब भी मौका मिलता है, जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा फंड आ जाता है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आज मेरे पे 1 लाख रुपये, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, फिर 2-3 महीने बाद मेरे 50000 आ जाते हैं तो मैं 50000 फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा तो कॉर्पस बनेगा जो कि हमारे भविष्य में काम आएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी साइकोलॉजी काफी कुछ चेंज हुई होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।